नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। करेली शासकीय अस्पताल की सैंपलिंग व जांच रिपोर्ट की पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट होना चाहिए। सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कलेक्टर शर्मा से ये करेली नगर को उम्मीद की शासकीय अस्पताल करेली की व्यवस्था पर जिला प्रशासन सख्त कदम उठाएगा जनहित में। विगत दिनों शाम को करेली में नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश व एसपी अजय सिंह के साथ अपर कलेक्टर मनोज सिंह व करेली नगर निरीक्षक अनिल सिंह व नरसिंहपुर से आए अतिरिक्त पुलिस बल करेली नगर व्यापारियों को 3 दिन से व्यापारी महासंघ के लॉकडाउन में सहयोग करें व मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें व सभी कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु शासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने की समझाइश देते दिखे। नरसिंहपुर कलेक्टर व एसपी अब जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उचित करा दे तो जनता को हो रही कोरोना महामारी के चलते समस्याओं को निजात मिलेगी। नरसिंहपुर स्वास्थ्य विभाग व करेली शासकीय अस्पतालों की व्यवस्थाएं बद से बदतर है। करेली में कोरोना की सैंपलिंग व जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव मरीजों के नाम सार्वजनिक करने से परहेज नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव मरीज की लिस्ट सोशल मीडिया में स्वास्थ्य विभाग करेली बीएमओ विनय ठाकुर को डालनी चाहिए, जिससे कोरोना संक्रमण को अधिक न फैले, लोग पॉजिटिव परिवार से अलर्ट रहे। जिला कलेक्टर नरसिंहपुर वेद प्रकाश शर्मा उम्मीद है करेली शासकीय अस्पताल की ये सभी अनियमितताएं जल्द सुधारें, बीएमओ विनय ठाकुर को आदेशित करेंगे ये उम्मीद है।